हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही मजेदार होंगे। मेरा नाम है छाया खिलवार, आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभिप्सा जो टीम बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके विकास के लिए है, आपको एक नए मार्गदर्शन देने के लिए है। आप सभी को पता है, पढ़ना तो सभी को है, ठीक है, लेकिन पढ़ करके सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, उस तक जब तक आप नहीं पहुंच पाओगे तब तक ये शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। तो अब अभी से अपनी पढ़ाई ऐसे रखिए कि जो आने वाला जो कल होगा आपका बहुत ही मजेदार हो। ये नहीं कि आप पढ़ के बस घर बैठ जाए, नहीं। शिक्षक अगर बच्चों को शिक्षित कर रहा है, एक आप सुने ही होंगे, एक डायलॉग होता है, शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। इसका अर्थ आप लोग क्या समझते हो? इसका अर्थ ये नहीं है भाई कि मोमबत्ती जलाना है ना, ये नहीं। शिक्षक मोमबत्ती ऐसा नहीं समझे। इसका एक अर्थ होता है, यदि शिक्षक जो आप लोगों के लिए मेहनत करता है, वो अपने आप को तपाता है ताकि उसके आने वाले जो कल के बच्चे हैं उनको एक सही मार्गदर्शन मिले। वो अपने आप को इस तरीके से उस बच्चों के लिए समर्पित करता है ताकि वो आगे चलकर एक नई राह, एक नई मंजिल को प्राप्त कर सके। तो ये जो वर्क हो रहा है बच्चों, ये जो टीम बना है सिर्फ आप लोगों के लिए बना हुआ है। आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे और हमारी बात भी शेयर होती जाएगी। तो चलिए, आपके साथ देर नहीं करते, एक छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के एक टॉपिक हम शेयर करने वाले हैं बच्चों आप सभी के सामने, वो है क्या? मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग क्या होता है बच्चों? आप खुद ही सोचोगे कि मादा मतलब फीमेल की बात हो रही है, आपके मम्मी। आप अगर एक लड़की हैं तो आप खुद के बारे में भी समझिए, ये छोटे बच्चे के बारे में समझिए। ये पूरी जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये जो पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है कैसे उत्पन्न हो गई होगी? एक छोटा सा बच्चा उत्पन्न कैसे हुआ? इस संसार में हम लोग देखते हैं कि 133 करोड़ की जनसंख्या। हम मोदी जी का डायलॉग सुनते हैं ना, हमारे माननीय जो मोदी जी हैं उनके हमेशा एक डायलॉग होते हैं, टीवी पर भिजवाते हैं, मैंने तो बहुत सुना है, आशा करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि 133 करोड़ लोगों, है ना, या 133 करोड़ की जनसंख्या, ये बहुत हमने सुना हुआ है। तो ये जो डायलॉग होता है बच्चों, 133 करोड़ की जनसंख्या, आखिर इतनी जनसंख्याएं आई कहां से है? आप खुद ही सोचो, 133 करोड़ की जनसंख्या अगर उत्पन्न हुई है तो आई कहां से? सीधी सी बात है, वो माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुई है। क्लियर होगा? सभी जीव जंतु होते हैं, तो सभी जीव जंतु में अगर हम ह्यूमन की बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो मनुष्य में मादा यानी कि फीमेल एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि मादा प्रजनन अंग होता है, जहां से एक नए संतान को वो क्या करती है, जन्म देती है। माता क्या करती है भाई, बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है ना, अपने गर्भ में रखती है, तब जाके वो भरण पोषण करके बाहर आ पाता है ना। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों, कि मादा प्रजनन अंग होता क्या चीज है। किसी को तो, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि होता क्या है, तभी तो इतने सारे बच्चे उत्पन्न कर देते हैं, है ना। पहले के टाइम पे लोगों को समझ ही नहीं होती थी कि वो जो बच्चे इतने सारे उत्पन्न हो रहे हैं वो हो कैसे रहे हैं। भाई, आप उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं रखोगे, उसके बारे में जानकारी नहीं रखोगे, तो फिर तो आप तो कंटिन्यू बच्चे ही पैदा करते जाओगे। तभी तो मोदी जी ने कहा कि भाई परिवार नियोजन करो, जन्म नियंत्रण करो। तो आपके बारे में, इसके बारे में अगर पता चल जाए होता क्या चीज है ये चीज, है ना, तब तो आप अपने बच्चों को मतलब कंट्रोल कर पाओगे कि हमको सिर्फ एक बच्चा चाहिए, सिर्फ दो, है ना, नहीं कि हमको 8-12 बच्चे चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको इतनी की जरूरत नहीं है, एक दो में इनफ हो जाता है, ठीक है। इसी को तो हम जन्म नियंत्रण कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना। क्लियर है? तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, आवश्यक है, ये सभी सभी लोगों के लिए बहुत जानकारी है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी जरूरी है, बड़े बच्चों के लिए जरूरी है ये, और भी अदर लोग जो हैं उन्हीं लोगों के लिए भी ये जरूरी है। तो
तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है मादा प्रजनन। मादा प्रजनन अंग, या हम इसे कहें बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जनन तंत्र की बात करें तो ये दिखता कैसे है, हम इसके शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, किस तरीके से ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऐसा इसे शर्माने वाली इसमें बात नहीं होती बच्चों। कुछ लोग जो होते हैं स्कूल के टाइम पे क्या करते थे, जैसे ये चैप्टर आता था आग बंद करते थे और हंसी मजाक करते थे, हंसने लगते थे। तो ये हंसने वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। ये ऐसी बात है कि आप ऐसा समझिए कि आने वाले स्तर में अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके नए डिसीजन के लिए ये काफी लाभदायक आपको होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, मादा प्रजनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर सिस्टम की हम बात करें, इसके डायग्राम की बात करें, तो ये कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देते हैं, इस तरीके से हमको ये दिखाई देंगे। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों, जो आप देख रहे होंगे, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल या महत्वपूर्ण रोल हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसका, इस अंडाशय का। किसका होता है? इस अंडाशय का होता है बच्चों, इस अंडाशय का। ध्यान रखेंगे, ये जो अंडाशय है या इसी को हम ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहें चाहे हम इसे ओवरी कहें, दोनों एक ही चीजें होती है। ठीक है, इस अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु का। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है बच्चों, और इसी अंडाणु के द्वारा एक नए बच्चे का जन्म होता है, एक नए संतति का जन्म होता है, यानी कि इसी अंडाणु के द्वारा ही एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही कोई बच्चा नहीं आ जाता, जब तक ये अंडाणु उत्पन्न नहीं होगा तब तक कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता, एक नए पीढ़ी की उत्पत्ति नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, तो भाई देखिए आप ये इस डायग्राम में देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इस अंडाशय का है। हम अगर इसकी संरचना अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सबसे पहला जो ऑर्गन होता है अंडाशय का होता है, और अंडाशय आपको कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों? यहाँ पर एक पेयर में दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर है ना, दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक की संख्या में उपस्थित होता है अंडाशय, यानी कि अंडाशय कितने हैं? दो। ठीक है, कितने हैं? दो, यानी कि पेयर में है, एक पेयर में उपस्थित होते हैं अंडाशय। दूसरे की हम बात करें तो दूसरे की हम बात करते हैं, ये जो आपको इस तरीके से नली दिखाई दे रही है, ठीक है, इस नलिका को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी कि अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंडवाहिनी नली कहते हैं, और इसी को हम डिम्ब वाहिनी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिम्ब वाहिनी नलिका कहते हैं, इसी को हम अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या? डिम्ब वाहिनी नलिका कहते हैं। ठीक है, एक मुख्य कार्य किसका हो गया? अंडाशय का। अंडाशय का कार्य क्या दिखाई दे रहा है? अंडाणु के निर्माण के लिए होता है, अंडाणु के निर्माण के लिए। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? फैलोपियन ट्यूब की बात करें या अंडवाहिनी की हम बात करें, याद रखिए आपको दोनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे, चाहे हम इंग्लिश की बात करें चाहे हम हिंदी की बात करें। ठीक है, अंडवाहिनी जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, क्योंकि अंडाणु के निर्माण के पश्चात, अंडाणु निर्माण तो हो गया, बन गया, लेकिन अंडाणु के निर्माण के पश्चात अंडाणु कहाँ जाए भाई? अब खेत में तो अपन फेंक नहीं सकते उसको, है ना, उस अंडाणु को पकड़ने के लिए चाहिए हमको क्या? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी की अगर हम संरचना देखेंगे तो ये मुख्यतः चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, चार बेसिक इसमें नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है क्या? झालर। ठीक है, झालर, इसको फिम्ब्री कहते हैं। कीपक यानी कि इन्फंडिबुलम कहते हैं। तुम्बिका अर्थात एम्पुला। लास्ट में आपका है इस्थमस, सकीर्ण पथ कहते हैं।
ठीक है, आपको दोनों ही नाम यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। ज्यादातर यहाँ पर इंग्लिश में नाम वहां लिखा होता है, यानी कि वहां तुम्बिका ना लिख करके सीधे इसे हिंदी में लिखकर एम्पुला लिखा जाता है, एम्पुला, ठीक है। कीपक इनफंडिबुलम लिखा जाता है वहां, इनफंडिबुलम, ठीक है। कीपक को क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम, ठीक है। तुम्बिका यानी कि एम्पुला, स्थमस को सकीर्ण पथ कहते हैं, स्थमस ही कहते हैं यहाँ पर, क्लियर है। अब अगर हम बात करें फिर से एक मुख्य नाम की, तो ये आएगा, अब आपका आता है गर्भाशय। ये क्या है आपका? गर्भाशय। पहला हमने देखा अंडाशय, दूसरा हमने देखा फैलोपियन ट्यूब, तीसरे की बात करें तो क्या है? एक ही होता है, याद रखेंगे, गर्भाशय एक ही होता है, ठीक है। जबकि अंडाशय एक जोड़ी में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी में पाया जाता है। भाई इधर भी देखेंगे, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, कितने दिखाई दे रहे हैं? एक पेयर में फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रहा है और दोनों ही तरफ ये पूरे नाम आपको दिखाई देंगे। इधर की बात करें लेफ्ट की तो भी, और राइट की बोलेंगे तब भी, ठीक है। तो दो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होता है और फैलोपियन ट्यूब ने ये चार नाम उपस्थित होते हैं, इन चारों से मिलकर बना होता है अंडवाहिनी, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगर गर्भाशय की, तो इसे हम कहते हैं गर्भाशय, और अंदर के भाग को कहते हैं क्या? गर्भाशय गुहा, यानी कि यूट्रस कहते हैं। यूटेरस के अंदर एक कैविटी होती है जिसको यूटेरस कैविटी कहते हैं, यानी कि गर्भाशय गुहा कहलाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है गर्भाशय का, क्योंकि इसी के अंदर का जो भाग होगा बच्चों, उसी पर अंडाणु का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि कहाँ पर निषेचन होता है, ठीक है, कैसे सेक्सुअलिटी होती है और कैसे एक नए बच्चे का जन्म होता है, हम पूरी चीजें आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले आप स्ट्रक्चर पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप देखोगे अगर गर्भाशय को, तो ये तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। गर्भाशय को देखोगे तो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका क्या, सबसे बाहर का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं इसे? पेरीमेट्रियम कहते हैं बच्चों, पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय कहते हैं। बीच का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं क्या? पेशी स्तर, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। देखिए बाहर का जो स्तर होता है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच का जो स्तर होता है मध्य का उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, लास्ट जो सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं अंतः स्तर, अर्थात एंडोमेट्रियम कहते हैं। अंतः स्तर को हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। मैं इसको स्ट्रक्चर को बना के भी आपको दिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है, एक ही बार में आपको नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, और गर्भाशय एक। अगर हम नीचे की बात करें, नीचे की अगर बात करें तो ये होता है क्या? ग्रीवा कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा, सर्विक्स कहते हैं, ठीक। सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स नाल में ओपन होता है, सर्विक्स नाल यानी ग्रीवा नाल में खुलता है। तो बच्चों नीचे का भाग क्या कहलाता है? योनि कहलाता है। क्या कहलाता है? योनि अर्थात वेजाइना कहलाता है, ठीक है। यानी कि गर्भाशय की संख्या कितनी है? एक है। ग्रीवा की संख्या कितनी है? एक है। ग्रीवा कहाँ खुल रहा है? ग्रीवा नाल में खुलता है। जस्ट इसके नीचे की बात करें तो वेजाइना यानी कि योनिस होता है, पेनिस जो होता है बच्चों, पेनिस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पेनिस होता है, सेक्सुअलिटी के समय यानी कि सेक्शन के समय, मैथुन के समय, ये जो पेनिस होता है इसी आपके वेजाइना मार्ग से होते हुए अंदर जाता है, यानी कि यहीं पर घर्षण की प्रक्रिया होती है आपके वेजाइना में, क्लियर है। तो ये जो भाग होता है क्या है? मादा प्रजनन तंत्र का एक डायग्राम है, जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है,
ठीक है। अगर हम इसके संरचना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो मैंने जैसा कि पहले ही कहा क्या है, अंडाशय है, यानी कि अंडाणु का जहां निर्माण होता है। अंडाणु ही तो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक नए संतति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर मादा प्रजनन तंत्र में सबसे प्राथमिक प्रजनन अंग की हम बात करें तो वो है क्या, अंडाशय ही है। मादा जनन में सबसे प्राथमिक प्रजनन अंग की हम बात करें तो वो क्या है, यही आपका अंडाशय ही है। बाकी जितने हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने पढ़ा क्या, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रंथियां, ये सारे के सारे चीजें जो होती है बच्चों, ये द्वितीयक प्रजनन अंग होती है। इसी को हम कह सकते हैं क्या, सहायक प्रजनन अंग भी हम कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सहायक प्रजनन अंग भी कहते हैं, सहायक प्रजनन अंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल जैसे कि मैंने पहले कहा किसका है, अंडाशय का है, जो किसका निर्माण करेगा, अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, ये अंडाणु का निर्माण करता है। तो सबसे पहला जो है मादा प्रजनन अंग में हम बात करेंगे क्या, प्राथमिक प्रजननांग की हम बात करेंगे, जो कि है क्या बच्चों, अंडाशय है। अंडाशय आपका प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, यानी कि हम मादा प्रजनन अंग की बात करें तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है आपका अंडाशय होता है, और अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। भाई आप ध्यान रखेंगे, अंडाशय से ही किसका निर्माण होता है, इस अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये जो अंडाणु होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसी अंडाणु में स्पर्म के आपके फर्टिलाइजेशन, यानी कि कोई आपका स्पर्म यहाँ पर अगर एंटर कर रहा है, इस अंडाणु के साथ फ्यूज कर रहा है, यानी कि निषेचन की प्रक्रियाएं होती है, तो इस निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है, एक नए भ्रूण का जन्म होता है, अर्थात पहले जायगोट बनेगा और जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसी अंडाणु के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि है किस प्रकार से इस अंडाणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडाशय की पूरी संरचना को समझेंगे कि आपके जो फीमेल है, फीमेल के अंडाशय की संरचना किस प्रकार से निर्मित होती है, किस प्रकार से बनी होती है। तो चलिए हम देखते हैं अंडाशय की संरचना को। तो देखते जाइए इसके डायग्राम को भाई, इसके डायग्राम बहुत ही मजेदार तरीके से इसे बनाएंगे। देखिए यह है अंडाशय की संरचना, ठीक है। अब इस अंडाशय की संरचना में पहले हम संरचना बनाते जाते हैं और इसको उसके नाम के साथ आपको बताते जाएंगे, ठीक। ये पूरे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अंडाशय में क्या होते हैं, पूरे ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है। अब यहाँ पर हम दो लेयर बनाएंगे, यहाँ पर हम देखिए इस प्रकार से अंडाशय की संरचना पाई जाती है, जो कि डबल लेयर होती है, यानी कि डबल आवरण से घिरी होती है। इस प्रकार से देखते जाइए, ये है आपका अंडाशय का डायग्राम, ठीक है। ये किसकी संरचना है, अंडाशय की संरचना है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है। ये क्या है, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट होता है। हम इधर नाम लिखेंगे इसलिए अभी इसको मिटा दे रही हूँ, आप ध्यान रखेंगे ये अंडाशय का डायग्राम है, क्लियर है। चलिए देखते जाते हैं,
देखिए, तो सबसे पहले जो अंडाशय की अगर हम संरचना देखेंगे तो सबसे पहले अंडाशय जो होता है चारों तरफ से एक आवरण से घिरा होता है, कोशिकाओं के आवरण से घिरा होता है, जिसे हम जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिका कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंडाशय बाहरी आवरण से घिरा होता है, कोशिकाओं के आवरण से घिरा होता है, जिसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। इसे हम क्या कहेंगे? जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। ध्यान रखेंगे भाई, सबसे ऊपर वाला आवरण जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिका कहते हैं। ये पहला आवरण हो गया। जस्ट इस आवरण जो है, जो अंडाशय से घिरा हुआ है बाह्य आवरण, इसके जस्ट नीचे एक और आवरण पाया जाता है जो संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसे कहते हैं क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिका हो गई, इसके जस्ट नीचे संयोजी उत्तक की एक कोशिका हो गई। अब इसके जो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, अब अंदर से अगर देखोगे तो खाली आवरण है, यानी कि ऐसे बोलूं कि ये क्या है, अंडाशय है, और इस अंडाशय के बाहरी भाग जो है दो आवरण से घिरा हुआ है। पहला जो भाग है उसे हम जर्मिनल एपिथीलियम या जननिक उपकला कहते हैं। जस्ट इसके अंदर एक और आवरण पाया जाता है जो कि संयोजी उत्तक से मिलकर बनी होती है, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब समस्त जो अंडाशय का अंदर का जो आवरण होता है, इस समस्त अंडाशय के अंदर को हम बोलते हैं, इसके अंदर के भाग को बोलते हैं क्या? इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस पूरे भाग को, अंदर के भाग को हम क्या कहेंगे? आंतरिक संरचना, यानी कि अंडाशय के अंदर का भाग जो होता है उसके हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इस पूरे भाग को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लियर है? अंदर का पूरा भाग क्या कहलाता है अंडाशय का? स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है परिधि भाग कहलाता है, एक होता है परिधीय भाग अर्थात कॉर्टेक्स कहते हैं इसे हम, और एक होता है मेडुला अर्थात मध्यांश, मध्यांश अर्थात मेडुला। एक होता है परिधि भाग। अब परिधि भाग किसको बोलेंगे? ये पूरा स्ट्रोमा है। इसका बाहर का जो भाग होता है इसे हम कहेंगे क्या? बाहर का जो भाग है इसे हम परिधीय भाग कहेंगे, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके अंदर के जो बीच का जो भाग होता है इसको हम कहेंगे क्या? इसे हम मेडुला कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? मेडुला अर्थात मध्यांश भाग कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया क्या आपका स्ट्रोमा, जो दो भागों से मिलकर बना है, एक परिधि भाग अर्थात कॉर्टेक्स, और ये हो गया क्या आपका मेडुला अर्थात मध्यांश भाग। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इस स्ट्रोमा में, इस स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें पाई जाती है बच्चों। तो इस स्ट्रोमा के अंदर में आपका पाया जाता है रक्त, यानी कि रक्त केशिकाएं पाई जाती है। क्या क्या चीजें पाई जाती है इसमें? रक्त, रक्त केशिकाएं पाई जाती है इसमें, इस स्ट्रोमा में रक्त केशिकाएं पाई जाती है, पहला। दूसरा लसिका केशिका, लसिका केशिकाएं पाई जाती है। तीसरा हम बात करें तो इसके अंदर तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु पाया जाता है, तंत्रिका तंतु पाया जाता है इसी में। इलास्टीन पाया जाता है, ई लास टीन पाया जाता है इसमें। कोलेजन, कोलेजन पाया जाता है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर स्ट्रोमा में पाई जाती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा ब्लड वेसल्स का जाल भरा हुआ है, और इसी के अंदर लसिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, इलास्टीन, कोलेजन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। इस तरह से ये पूरी बिखरी हुई होती है। क्लियर है? अब हमने देखा स्ट्रोमा हो गया, हमारा बाहरी आवरण हो गया। अब देखेंगे मेन जो अंडाणु का निर्माण होता है वो किस
प्रकार से होता है। तो समझते जाइएगा, जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाएं विभाजित होकर ओवेरियन, बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण करती है। इस प्रकार से बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण, इसे हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, क्या कहेंगे, ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं इसे, फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण करती है। और ये जो, यानी कि अंडाशयी पट्टिका बोलते हैं इसे, अंडाशयी पट्टिका यानी कि ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण करती है। अब इनमें से ही, इस इतने सारे जो ओवेरियन फॉलिकल जो बने हुए हैं, इनमें से ही एक कोशिका जो है, एक ओवेरियन फॉलिकल आकार में बड़ी हो जाएगी, मैच्योर होगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक फॉलिकल कहते हैं, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करती है। ये जो ओवेरियन फॉलिकल है किसका निर्माण करती है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक पुटक कहें या हम प्राथमिक फॉलिकल कह सकते हैं, प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण करती है। देखिए, ये जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाएं विभाजित होकर के ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण करती है, अर्थात अंडाशयी पट्टिका का निर्माण करती है। और ये जो अंडाशयी पट्टिका होती है, ये ओवेरियन फॉलिकल होती है, आगे चलकर प्राथमिक फॉलिकल या प्राइमरी आपके फॉलिकल का निर्माण करती है, या हम इसी को कहें प्राथमिक पुटक कहते हैं, प्राथमिक पुटक का फॉलिकल को हम कहते हैं पुटक कहते हैं, पुटक का निर्माण करती है। अब आगे चलकर ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं सेकेंडरी, देखते जाइए इस प्रकार से, ये किसका निर्माण करेंगे, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, द्वितीयक फॉलिकल का निर्माण, फॉलिकल का निर्माण करते, द्वितीयक फॉलिकल का निर्माण करते हैं। अब आगे चलकर ये किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे तृतीयक, यहाँ पर देखते जाइए इस तरीके से तृतीयक फॉलिकल का निर्माण करते जाते हैं। ये हो गया क्या, तृतीयक फॉलिकल, तृतीयक फॉलिकल का निर्माण करते हैं। ये प्राइमरी हो गया, ये द्वितीयक हो गया, तृतीयक। अब तृतीयक फॉलिकल बनने के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, और ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, देखते जाएंगे, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही अंड कोशिका का निर्माण होता है, जो अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे देखते जाइए, यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्या, ग्राफियन फॉलिकल, ये पूरा आपका ग्राफियन फॉलिकल है, और इसी के अंदर क्या होता है, अंड कोशिका अर्थात अंडाणु का, ये देखिए, ये ग्राफियन फॉलिकल, और इसी के अंदर क्या है, अंड कोशिका उपस्थित होती है, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करी। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में क्या है, अंड कोशिका होती है। ये एक मैच्योर यानी कि परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो कि आगे जब परिपक्व होने के पश्चात क्या होगा, वो अंडाशय की दीवार में जा करके चिपक जाता है। देखिए, अंडाशय की दीवार में जा करके किस प्रकार से ये चिपकेगा, और चिपकने के पश्चात फट जाता है, फटने के पश्चात अंडाणु अंडाशय की दीवार से बाहर निकल जाता है। देखते जाइए किस प्रकार से होता है, ये है आपका क्या, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल इसमें जाकर के चिपक गया, अंडाशय की दीवार में चिपक गया, चिपकने के पश्चात वहाँ से फट जाता है, और फटने के पश्चात जो आपका अंडाणु होता है वो बाहर निकल जाता है। ये क्या है आपका, अंडाणु है, अंडकोशिका से अंडाणु का निर्माण हुआ और ये बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के पश्चात जो फॉलिकल अगल बगल में क्या है, पूरे फॉलिकल होते हैं। अब भाई, यहाँ से जैसे मेरा हाथ कट जाए
कट जाएगा तो ब्लड निकलेगा, तो ये भी यहाँ पर भी तो रक्त निकलेगा ना, तो रक्त जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। मतलब ऐसे समझिए कोई भी चीज़ जैसे घाव बनता है, कुछ भी लग रहा है, चोट आए तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, ब्लड में कुछ कुछ कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर घुल जाती है, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी। ग्राफियन फॉलिकल जो है मैच्योर होने के पश्चात क्या होगी, अंडाशय की दीवार से चिपक जाती है और चिपकने के पश्चात वो फट जाएगी और फटने के पश्चात अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। और बचे हुए जो फॉलिकल होते हैं, चूँकि फटने के पश्चात यहाँ पर पूरे रक्त ब्लड आ जाएगा यहाँ पर, और ब्लड जो होते हैं देखिए पूरे क्या होंगे, यहाँ पर ब्लड आ जाते हैं और ब्लड में जितने फॉलिकल होंगे वो घुल जाते हैं। फॉलिकल कहाँ है, ये सारे फॉलिकल तो घुल जाएंगे ब्लड में और एक ग्रंथिर संरचना का निर्माण करेंगे, और ये ग्रंथिर संरचना को हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। देखिए इस प्रकार से कैसे निर्माण करती है, यहाँ पर कॉर्पस हीमोरेजिकम का निर्माण करती है, ये है आपका कॉर्पस हीमोरेजिकम। देखिए इस प्रकार से ये है आपका कॉर्पस हीमोरेजी कम, इस प्रकार से कॉर्पस हीमोरेजिकम का निर्माण करती है। आगे चलकर कॉर्पस हीमोरेजिकम जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, यह है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि हार्मोन के सिक्रेशन के लिए होती है। कौन कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को, क्या मतलब हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो आगे चल करके कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करती है, किसका निर्माण करेगी, कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करती है, ये देखिए इस प्रकार से कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करती है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगी, ये नष्ट हो जाएगी। तो ये पूर्ण रूप से ये है आपके अंडाशय की संरचना, यानी कि एक शब्द क्वेश्चन आता है कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या होती है, तो याद रखेंगे अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना, यही अंडोत्सर्ग की प्रक्रियाएं होती है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर निकल आता है, तो सबसे पहले क्या किए हम, जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाएं, देखिए अंडाशय चारों ओर से एक आवरण से घिरा होता है, जिसको पहले आवरण को हम क्या कहते हैं, इसे जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिका कहते हैं। इसके जस्ट नीचे एक और आवरण होता है जो कि संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है, इसे हम ट्यूनिका एल्बुजीनिया कहते हैं। ये जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ये दूसरा आवरण है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे पूरे अंडाशय के अंदर की बात करें तो ये इसके अंदर पूरा स्ट्रोमा पाया जाता है, इसके अंदर के भाग को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें होती है, रक्त केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, इलास्टिन, कोलेजन, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। स्ट्रोमा दो भागों में डिवाइडेड होती है, एक परिधि वाली भाग यानी कि बाहर का भाग, और एक होता है मध्य का भाग। परिधि वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और मध्य के भाग को मेडुला कहा जाता है। ठीक है, अब देखते जाएंगे इसमें, देखिए किस तरह से ये ब्लड वेसल्स का पूरा जाल ऐसे फैला होता है। जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाएं विभाजित होकर ओवेरियन फॉलिकल का निर्माण करती है, ओवेरियन फॉलिकल जो है आगे चलकर प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण करेगी, प्राथमिक फॉलिकल आगे चलकर द्वितीयक फॉलिकल यानी कि द्वितीयक आपके पुटक का निर्माण करती है, द्वितीयक फॉलिकल आगे वृद्धि करके ग्रोथ करेंगे और तृतीयक पुटक का निर्माण करती है, तृतीयक फॉलिकल जो है एक मैच्योर आपके ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में ही आपके क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के पश्चात अंड कोशिका अर्थात ये जो अंडाशय की दीवार है, अंडाशय की दीवार से ये चिपक जाती है, और चिपकने के पश्चात क्या होगा, अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर आ जाता है।
क्योंकि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय की दीवार से जैसे ही चिपकती हैं वो फट जाती हैं। यहाँ पर क्या होगा, वो फट जाती है और यहाँ पर एक घाव बन जाएगा, और घाव बन जाने के पश्चात अंडाणु तो बाहर निकल गया। घाव के घाव जब बनेगा तो सीधी सी बात है उसमें रक्त भर जाएंगी, और ये रक्त जो होती है इन फॉलिकाओं को अपने में क्या करती है, घोल लेती है, अर्थात घुल जाता है फॉलिकल इसमें, ठीक। और आगे एक ग्रंथि संरचना का निर्माण करती है जिसको कॉर्पस हीमोरेजिकम कहते हैं। क्या है, कॉर्पस हीमोरेजिकम है। आगे चलकर ये कॉर्पस हीमोरेजिकम कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है जो कि हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। कौन कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करती है, और कॉर्पस एल्बिकेंस जो होते हैं वो आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अंडाणु का निर्माण हर महीने होते रहता है, एक तरफ एक अंडाशय से तो दूसरी तरफ दूसरे अंडाशय से, ये इस प्रक्रिया जो अंडाणु का निर्माण करती रहती है। याद रखेंगे जो मंथली जो पीरियड होते हैं तो इसी के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि जैसे दर्द होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल होता है तो एक साइड हमको बोलते हैं कि कमर दर्द हो रहा है, पहले हम बोलते हैं हमको इधर दर्द हो रहा है। जब याद रखेंगे जिस तरफ का आपको दर्द उठ रहा होता है उसी तरफ अंडाणु का निर्माण हो रहा है, और उसी तरफ आपके जब अंडाणु में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पश्चात बाहर निकल जाते हैं, इसलिए आपको दर्द महसूस होता है। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अंडाशय की संरचना क्या होती है, मादा प्रजनन अंग क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट हम आगे बताते जाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखते जाओगे, आपको समझ भी आते जाएगा, आप हमेशा इसे पसंद करोगे, ठीक है। आई होप बच्चों ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आप मेरे से अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो बच्चों इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर अभिप्सा एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से कोर्सेज को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप www.abhipsa.in पर भी जा करके कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। बच्चों इस तरीके से कोर्सेज खरीदने के लिए, मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए कोर्सेज खरीदने के लिए आप मेरा जो ये कूपन कोड है CHY100 पर उसमें आप अप्लाई करें, जिससे आपको 10% की छूट प्राप्त हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप 8821000987 पर भी जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, धन्यवाद।